रहस्यमयी जगहों से दुनिया भरी पड़ी है। कई ऐसी रहस्यमयी और अनोखी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर लोगों को यकीन नहीं होता है। दुनिया के कई रहस्यों को वैज्ञानिकों ने सुलझा दिया है, जबकि कई रहस्यों को अभी भी सुलझाना बाकी है। धरती पर कई ऐसे रहस्यमयी जंगल, पहाड़, नदी और द्वीप हैं जिनके रहस्यों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। कई जगहें एलियंस तो कुछ स्थान भूतों की वजह से रहस्यमयी बन गए हैं। आज हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी जगहों की लिस्ट निकाल कर लाए हैं जिनके बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की रहस्यमयी जगहें जहां पर रात में आती हैं चीखने की आवाजें, जाने इनकी खौफनाक कहानी हमारे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आइकॉनिक बावे और आप देख रहे हैं आइकॉनिक हॉरर स्टोरी। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं भूतों की रहस्यमय दुनिया में जिसके बारे में जानकर आपके भी रोमटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का अनोखा वीडियो, द मिस्टीरियस प्लेसेस वेक, रहस्यमयी शहर। भगवान राम ने लंका पर विजय के बाद राज्य को रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। लंका के शासन पर काबिज विभीषण ने भगवान राम से निवेदन किया कि लंका तक आने वाले राम सेतु को तोड़ दीजिए। भगवान राम ने विभीषण के निवेदन के बाद अपने धनुष के एक छोर से सेतु को तोड़ दिया। इसके बाद से ही यह स्थान धनुषकोटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर यह छोटा शहर स्थित है। भगवान राम का धनुषकोटी से गहरा नाता है, जबकि दूसरी तरफ यहां प्रेत आत्माओं के महसूस किए जाने का दावा किया जाता है। इन दावों के पीछे साल 1964 में यहां भीषण चक्रवात को बताया जाता है। इस तूफान के बाद यहां आने वाले लोगों ने महसूस किया कि यहां पर कुछ असामान्य है। इन अनुभवों के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस शहर को भूतिया शहर में डाल दिया और इसे रहने के लिए अयोग्य बता दिया गया। सरकार ने यह भी चेतावनी दी कि यहां पर दिन ढलने के बाद कोई भी यहां पर नहीं जाए। धनुषकोड़ी को रहस्यमयी शहर कहा जाता है। दोडरावना दुर्ग महाराष्ट्र में स्थित कलावंती दुर्ग भी रहस्यमयी है। राज्य के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित इस दुर्ग को बेहद डरावना बताया जाता है। इस दुर्ग के बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस किले में नकारात्मकता का वास है। इसकी वजह से लोग यहां पर खींचे चले जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इस खंडहर में आधी रात के बाद चीखने की आवाजें आती है। तीन शापित किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किले को भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। इस किले को शापित कहा जाता है। शाम होने के बाद इस किले के अंदर कोई नहीं जा सकता है। सरकार ने निर्देश दिया है कि इस किले में या इसके आसपास शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं जाएगा। बताया जाता है कि भानगढ़ का एक तांत्रिक यहां की राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहता था। तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उनकी दासी को अभिमंत्रित तेल दे दिया, लेकिन तेल की शीशी दासी से हाथ से एक शिला पर गिर गई। इसके बाद शिला तांत्रिक की तरफ खींचती चली गई, जिसमें दबकर उसकी मौत हो गई। तांत्रिक ने अपनी मौत से पहले वहां के रहने वाले सभी लोगों को श्राप दे दिया। बताया जाता है कि तांत्रिक की मौत होने के बाद राजकुमारी समेत सभी लोगों की मौत हो गई। कहा जाता इन्हीं लोगों की आत्माएं यहां पर भटकती हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे हमारा आने वाले नए वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें पर हमेशा खुश है। जय हिंद, वंदे मातरम।